देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। जिस कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पिछले साल से जताई जा रही थी, आखिर उसने नए साल की शुरुआत में ही दस्तक दे दी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है और आज जब राजधानी में एक दिन में कोरोना के 10,000 नए मरीज आए, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना की तीसरी लहर पर मुहर लगा दी। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास, जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। कोरोना की रफ्तार में ओमिक्रॉन वेरिएंट माइलेज का काम कर रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान जीनोम सीक्वेंसी के जरिए ही संभव है, लेकिन देश में जीनोम सीक्वेंसी की लैब सीमित हैं और केस हजारों में आ रहे हैं। अब सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल और ICMR ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट का। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 2 जनवरी को देश में कोरोना के 33,750 केस आए थे। 3 जनवरी को 11% उछाल के साथ कोरोना के 37,379 नए केस सामने आए और 4 जनवरी को यानी आज नए केस का यह आंकड़ा 55% उछाल के साथ 58,097 पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में कोरोना के इन आंकड़ों में उछाल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश भर के अलग अलग इलाकों से खबरें ही कोरोना संकट की आ रही हैं। मुंबई के अस्पतालों में पिछले 4 दिनों में 15% ज्यादा मरीज एडमिट हुए हैं। मुंबई के JJ अस्पताल में 61 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी 25 डॉक्टरों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब के पटियाला में एक मेडिकल कॉलेज में 60 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जम्मू के श्री माता वैष्णो कॉलेज में भी 189 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ABP News आपको रखे आगे।